टेबल नंबर 31 को 32 नंबर के नाम से यहाँ पर सेव कर दिया। और 32 नंबर के इस एग्जांपल पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो हमने अभी इसके पहले डिस्कस करा एग्जांपल पर कि जिस भी आइटम को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं वो आकर डिस्प्ले हो रहा है, तो इससे हम एक और तरीके से क्या कर सकते हैं, बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो हमारे पास मेथड है गेट सिलेक्टेड वैल्यू, और इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। और हम ये चाहते हैं कि स्ट्रिंग टाइप के S1 टाइप के वेरिएबल में हमें क्या करना है, उसे स्टोर करवाना है S1। अच्छा, गेट सिलेक्टेड वैल्यू जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या, ऑब्जेक्ट, और हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, स्ट्रिंग में। इसलिए अभी तो लाइन नंबर 33 पर एरर मैसेज आकर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर कंपाइल करा, एग्जाम्पल नंबर 32 है और एरर मैसेज आकर डिस्प्ले होना चाहिए, इनकम्पेटेबल टाइप ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। तो इनकम्पेटेबल टाइप ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या, ऑब्जेक्ट है, और हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, स्ट्रिंग में। तो इसलिए हमने एक काम करा, यहाँ पर टाइप कास्ट कर दिया। और अब इस कंडीशन में एग्जाम्पल नंबर 32 बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा। हमने एग्जाम्पल नंबर 32 को कंपाइल करा और यहाँ पर रन कर दिया, और आपने जो भी आइटम को यहाँ पर सिलेक्ट करा, हाँ जी, क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये वाला ही कोड यहाँ पर क्या करना है, नोट करना है, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 32। बाकी तो ऊपर का सेम ही है, सिर्फ क्या करा हमने, इसको यहाँ पर चेंज किया हुआ है जी।